इसमें प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति एवं प्रेम आप सबों के साथ सदा बने रहे। अंतकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है और वही महती ज्योति ईसा मसीह है और ईसा मसीह के वंशावली में 29वां पीढ़ी बाबुल निर्वासन के बाद यकुनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। आज दिसंबर 16 यानी क्रिसमस की तैयारी का 16वां दिन। क्रिसमस की तैयारी करते करते कहां तक पहुंचे हैं? कुछ नया सा तो लगता है, शायद आप लोग बोलेंगे कुछ नहीं लगता है, पर विश्वास करो, नदी का पत्थर भी चिकना सा होता है, पानी में रहते रहते वो चिकना हो जाता है। तो उससे भी ज्यादा प्रभु का वचन हमें बदलते हैं, हमें नरम बन जाते हैं, बनाते हैं, इतना तो विश्वास करो, क्योंकि प्रभु का वचन जीवंत है और सशक्त है। आज मनुष्य हमसे क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं तुम बहुत कंजूस है, किसी को कुछ नहीं देते हैं। क्या आप कंजूस हैं? अगर आप कंजूस हैं या किसी को कुछ देना नहीं चाहते हैं, तो आज प्रभु हमसे क्या कहते हैं देखेंगे। प्रभु संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 6 वचन संख्या 38 में इस तरह कहते हैं, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह तो सच है, जिस तरह तुम दूसरों को देते हैं उसी तरह तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप अपने बचपन में जो बातें अनुभव किए हैं या बहुत गरीबी की अवस्था अनुभव किए हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हुए धीरे धीरे पैसा कमाकर आप आगे बढ़े और आज आप अमीर बन गए हैं, और इसी के कारण भी आप शायद जो पाए हैं उसको देना नहीं चाहते। कोई कोई गरीबी अवस्था से बढ़कर उसमें धीरे धीरे आगे बढ़कर अमीर हो गए हैं और वे दूसरे गरीब लोगों को देखने से उनके दिल में दया आती है और दूसरों को पूरे दिल से उदार मन से देते हैं। लेकिन ऐसे भी है, हम कोई अवस्थे से गुजरने के कारण हम बहुत स्टिंजी बन गए हैं। We become so stingy and we don't even give anything to others। अगर तुम्हें खुशी पाना है, दूसरों को खुशी दीजिए। अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं, दूसरों को सम्मान दीजिए। आप प्यार पाना चाहते हैं, दूसरों को प्यार कीजिए। क्योंकि जिस मेजरमेंट से, जिस नाप से आप दूसरों को देते हैं, उसी नाप से आपको भी वापस मिल जाते हैं। भरी हुई, ऊपर उठी हुई, हिला हिला कर, दबा दबा कर, आपको पूरे के पूरे नाप से आपके गोद में डाली जाएगी, वचन कहता है। आज हम 1 करोड़ों लोग, एक बहुत कम हो गया, हम लोग ज्यादा करते हैं, 50 करोड़ों लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो कंजूस हो गया है, पैसा हाथ में रहने के बावजूद भी दूसरे गरीबी को देना नहीं चाहते हैं। हम मरने पर खाली हाथ जाना है तो ये पैसा क्या करोगे, बड़ा मकान क्या करोगे, एक दिन तो इस सब से हम बाय बाय करना पड़ेगा। तो हम 50 करोड़ लोग जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, लेकिन खुद खाते नहीं है, दूसरों को खाने भी नहीं देते हैं, वैसे लोग हैं जो
ज्यादा कपड़ा यूज नहीं करते हैं, दूसरों को भी नहीं देते हैं। वैसे लोग उदार मन होने के लिए, उसके उदारता के द्वारा दूसरों को मदद करने के लिए हम लोग आज प्रार्थना करेंगे। इस तरह आज इस दुनिया में 50 करोड़ों लोग उदार होकर, इस प्रभु का वचन पाते हुए उदार होकर दूसरों को मदद करने के लिए आज उन्हें शक्ति मिल जाए। हम इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें ताकि आज के प्रभु का वचन से उनका हृदय तैयार हो जाए और उदार होकर दूसरों को मदद करने की खुशी पाए, आनंद पाए और इस तरह क्रिसमस के लिए तैयार भी करें। हम प्रार्थना करें, हम खुद भी तैयार हो जाए, दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करते हुए उनका जीवन भी प्रभु के लिए तैयार हो जाए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेंगे, आमीन। जय यीशु, धन्यवाद।